Hello students, today we are going to discuss about the question answer of the little bully. So in the previous period we discussed about the previous chapter, we discussed about the question answer of the previous chapter. So now in this period we are going to discuss about the question answer of the chapter the little bully. What did Hari love to do? Hari, क्या Hari को क्या पसंद था? Hari loved to tease all the boys and girls who went to school with him. Hari को actually दूसरे boys और girls को, other boys और girls को tease करना, परेशान करना, जो उसके साथ जाते थे उसको परेशान करना उसको अच्छा लगता था. ठीक है, तो Hari loved to teach all the boys and girls who went to school with him. Next question, did the children like Hari? क्या बच्चे Hari को पसंद करते थे? Obviously, अगर दी वो दूसरों को परेशान करता था तो उसको कोई भी लाइक नहीं करते होंगे. तो दैट मीन्स यहाँ पे आंसर इज नो, द चिल्ड्रेन डिडंट लाइक Hari. जो बच्चे थे, दूसरे बच्चे, वो Hari को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. ठीक है, तो आंसर इज नो, द चिल्ड्रेन डिडंट लाइक Hari. वेयर डिड द क्लास गो फॉर पिकनिक? क्लास पिकनिक के लिए कहाँ गया था? पूरी क्लास जो पिकनिक के लिए कहाँ गया था? द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक टू द सी साइड ऑफ ए फॉर ए होल डे. यानी पूरी दिन उनके क्लास सी साइड यानी समुद्र के किनारे वो पिकनिक के लिए गए थे. इन द ट्रेन डिड एनी वन सीट नेक्स्ट टू Hari एंड व्हाई? क्या ट्रेन में कोई भी लड़का Hari के साथ बैठा? अगर नहीं बैठा तो क्यों नहीं बैठा वो आपको बताना है. इन द ट्रेन एनी वन डिडंट लाइक टू सीट नेक्स्ट टू Hari. ओके, इन द ट्रेन, ट्रेन में कोई भी लड़का Hari के साथ बैठना नहीं चाहता था, बन नहीं बैठा. क्यों ना? बिकॉज Hari ऑलवेज यूज्ड टू पिंच एंड प्रिक देम. क्योंकि Hari हमेशा उसको काटता था, पिंच करता था, चिमटी भरता था, और इसलिए उन्होंने उनके साथ नहीं बैठे. ठीक है, सो नेक्स्ट, व्हाई वाज Hari एंग्री व्हेन द चिल्ड्रेन रीच्ड द सी साइड? ओके, Why was Hari angry when the children reached the seaside? जब बच्चे seaside यानी समुद्र के किनारे में गए तो कोई भी Hari के हैंड को नहीं पकड़ा, Hari के हाथ को नहीं पकड़ा. And nobody went near him, ना ही उसके पास कोई गया. समझेगी नहीं? So Hari was angry. और इस कारण के वजह से Hari गुस्सा हो गया. तो समझ में आया Hari क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि एक्चुअली जब वो समंदर के किनारे में पहुँचे तो उसके पास कोई भी नहीं आए और ना ही उसका कोई हाथ पकड़ा. सो इसलिए Hari गुस्सा हो गया. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द लॉबस्टर टू डू टू Hari? लॉबस्टर, लॉबस्टर मतलब जो क्रैब जैसा बहुत बड़ा मॉन्स्टर सी एनिमल है, तो उसने Hari का क्या किया, Hari को क्या किया? द लॉबस्टर टूक Hari's हैंड इन हिज ग्रेट पिंचर पिंकर. ठीक है, तो लॉबस्टर ने Hari के हाथ को पकड़ा और उसको पिंकर किया. पिंकर मतलब काटने लगा. लाइक क्लाउस एंड पिंच्ड इट सो हार्ड. ठीक है, जो पंजा होती है, पंजा जैसे उसको अच्छी तरह से पकड़ा और पकड़ के उसको क्या करने लगा ना, पिंच्ड सिमटी भरने लगा, काटने लगा. Which animals came out of the pool? कौन सा animals है वो pool यानी जो pool था उसमें से बाहर आया? The animals like sandy colored shrimps. The animals like sandy colored shrimps यानी रेती का कलर का जो shrimps होती है और prawns होते हैं. And more crabs came out of the pool. Okay, came out of the pool. ठीक है, द एनिमल्स लाइक सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स प्रॉन्स एंड मोर क्रैब्स केम आउट ऑफ द पूल. ओके,
So next, what did all the animals do to Hari? All the animals, जितने भी animals थे वो Hari को क्या किया? All the animals pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. तब तक वो काटते रहे जब तक उसके हाथ में ब्लू और ब्लैक कलर नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक उन लोगों को काटते गए. What happened to the Hari's lunch? Hari के लंच को क्या हुआ? ना Hari's lunch rolled into the pool. Hari का जो लंच था वो पूल, यानी वो पूल में गिर गया, ठीक है. What did Hari realize in the end? एंड में Hari ने क्या रियलाइज किया? In the end, Hari realized his mistake. वो अपनी गलती को महसूस किया. He thought that how other children would hurt him when he would use to hurt them. यानी वो ये भी सोचा कि किस तरह से बाकी जो बच्चे हैं उसको नफरत करते होंगे, ओके, जब वो उनको हर्ट यानी दर्द पहुंचाता होगा, ठीक है. और ये जो गलती है उसने अपने आप को एहसास किया, ठीक है. What did Hari decide? Hari ने क्या डिसाइड किया? Hari decided that he would never hurt anyone by pinching and pricking them. ठीक है, तो उसने ये तय किया कि वो कभी भी वो बाकी बच्चों को पिंचिंग और प्रिकिंग के द्वारा हर्ट यानी दर्द नहीं पहुंचाएगा, ठीक है. तो ये था क्वेश्चन आंसर्स. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द answers. So now we are going to discuss about MCQ, any multiple choice questions. So at first, look at here. Although Hari was not very big, he was just cunning. मतलब भले ही Hari बड़ा नहीं था लेकिन वो बहुत cunning था, बहुत बदमाश था. Why did all the children hate Hari? All the children, बाकी बच्चे Hari को क्यों नफरत करते थे? Because he always pinched them. क्योंकि वो हमेशा उनको पिंच करता था, काटता था, चिमटी भरता था. The class went for a picnic too. क्लास ने पिकनिक के लिए गए, किस लिए? To the seaside. कहाँ पर? ना seaside यानी समंदर के किनारे, ठीक है. Nobody sat next to Hari's because he always pinched. Nobody यानी कोई भी Hari के पास नहीं बैठता था क्योंकि वो हमेशा पिंच्ड करता था, दूसरों को तंग करता था. सो nobody took Hari's hand. कोई भी Hari के हाथ को नहीं पकड़ा. Nobody went near him. कोई भी उसके पास नहीं गया. Nobody played with him. और कोई भी उनके साथ नहीं खेले. This shows that Hari had no friend. तो इनमें से ये पता चलता है कि Hari का कोई भी दोस्त नहीं थे. When nobody came near him, Hari was dash. जब उनके पास Hari के पास कोई भी नहीं आए तो Hari गुस्सा हो गया, ठीक है. The crab opened his pincers and dash nipped Hari's hand, ठीक है. The lobsters, crabs pinched Hari till lobsters or crabs Hari को पिंच करने लगे. कब तक? Till he was black and blue. जब तक वो ब्लैक और ब्लू कलर का नहीं बन जाता है तब तक वो काटते गए. Hari was pinched till he was black and blue. Black and blue means there were bruises on his hand. तो आपने ब्लैक और ब्लू का मतलब होती है ब्लैक और ब्लू कलर नहीं बल्कि उसकी जो बॉडी में bruises हो जाता है. bruises मतलब फुला हुआ, जैसे हम चोट लगती है तो कैसा लगता है, तो उसी टाइप का ये बन जाती है, ठीक है. The dash ate Hari's lunch. Hari के लंच को कौन खाया? लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स. यानी Hari का लंच जब वो पूल में गिर गया तब ये लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स ने खा लिया, ठीक है. सो Hari ब्यास द क्रैब्स एंड लॉबस्टर. Hari ने क्रैब्स और लॉबस्टर को क्या किया? हेटेड किया यानी नफरत किया, ठीक है. क्योंकि जो क्रैब्स और लॉबस्टर उसको बहुत कांटे तकलीफ दिए इसलिए वो नफरत करने लगा. Hari realized that the other children hate him. तो Hari को तब महसूस हुआ कि जो बाकी बच्चे हैं उसको वो भी हेट करते होंगे, ठीक है. सो Hari decided that he would, ओके, Hari ने ये डिसाइड किया he would never pinch or prick anyone. वो कभी भी किसी को ना ही पिंच करेगा और ना ही
ब्रेकिंग करेगा, ठीक है। सो आई सेंट पिंच एनी वन मोर, सेंट का मतलब होती है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट, सेंट मीन्स शैल नॉट, ओके, शॉर्ट फॉर्म ऑफ शैल नॉट इज सेंट है। तो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड ऑल द एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर्स, डियर स्टूडेंट्स, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यू हैव टू बी लर्न एट होम। सो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स and learn and write in notebook, okay? In the next period, we will discuss the question answer of other chapter, okay?